किशनगढ़ गुरुकुल में सौतेले व्यवहार को लेकर बिफरी छात्राएं विरोध जताने के लिए हॉस्टल के बाहर रात बिताई। छात्राओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांद्रा सिंदरी में छात्रों के बराबर अधिकारों को लेकर छात्राओं की जंग विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ शुरू हुई है। हॉस्टल की टाइमिंग से लेकर क्लासरूम तक छात्राओं के लिए अलग नियम कायदे हैं। वहीं छात्राओं ने बीती रात समान अधिकार को लेकर विश्वविद्यालय परिसर के बाहर पूरी रात बिताई और अपनी मांगे पूरी करने की बात कही। बहरहाल छात्राओं ने CUR प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हॉस्टल में कभी भी कोई सर्वेलेंस नहीं होता है, सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल में होता है। गर्ल्स हॉस्टल में आप ये बताइए, चलो मेन गेट पे लगा हुआ है कैमरा तो समझ आता है, वॉशरूम्स के वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। ये लोग क्या कौन सी प्राइवेसी, हमारे लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रखी है इन लोगों ने। ये लोग क्या देखना चाहते हैं, उन कैमरों को वहाँ पे क्यों लगा रखा है इन्होंने। हाँ, यहाँ पर हमेशा ये बहुत बार ऐसा केस हो चुका है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो भी दारू पी के आते हैं, ड्रिंक करके आ जाते हैं वो लोग, और फिर उसके बाद उसका भी गलत फायदा उठाया जा रहा है। और अगर कोई लड़का या लड़की प्रोटेस्ट करता है तो उनको चुप करा दिया जाता है, सिर्फ ये बोल के कि आपको रेस्टिगेट कर देंगे। ये हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अगर लड़का भी लाइब्रेरी से लड़का लड़की साथ में आ रहे या फिर इवन लड़कियाँ भी साथ में आ रही, तो यहाँ पे गार्ड बार बार टॉर्च करके देखते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो। इनको भी पता है जब लाइब्रेरी वाले रास्ते से आ रहे तो लाइब्रेरी से आ रहे होंगे। स्ट्राइक के 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, बायोमेट्रिक सिर्फ हम क्यों पंच करें, लड़कियां ही, ये लड़कों के लिए क्यों नहीं लगाई गई है। MHRD के हिसाब से बायोमेट्रिक का आप कहीं गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ ऑफिस में वर्किंग प्लेसेस पे ही लगाया गया है, हॉस्टल्स में लगाना अलाउ नहीं है। उसके बाद सर्वेलेंस, लड़कियों पे हर जगह नजर रखी जा रही है, ऐसा क्यों, हॉस्टल्स में कॉरिडोर्स में हर जगह वॉशरूम्स के बाहर कैमरे लगाए गए हैं। तीसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, हमें रखने का मौका नहीं दिया जाता है। ये धमकी दी जाती है कि अगर तुम वॉयलेंस क्रिएट करोगे या अपनी बात ऐसे आगे आके रखोगे तो तुम्हें रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। क्यों रेस्टिकेट क्यों कर दिया जाएगा, हमें पूरा अधिकार है अपनी बातें रखने का। हमारे कॉमन कम्युनिकेशन चैनल सब ब्लॉक कर दिए गए हैं, हमारी मेल IDs ब्लॉक कर दी गई है, हम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं हमें बात करने नहीं दिया जाता है, एक लड़की को दूसरे गर्ल्स हॉस्टल में जाने नहीं दिया जाता है, ये क्या तरीका है। और अगर बायोमेट्रिक की एंट्री रोज घर पे भेजी जाती है तो आप रोज भेजो ना, एक दिन भेजते हो, दूसरे दिन नहीं भेजते, तीसरे दिन नहीं भेजते, फिर भेज देते हो, ये क्या तरीका है। इस तरह हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि आज तुम्हारी एंट्री आई है, तुम आज थी, कल नहीं आई तो कल कहाँ गई, इस तरीके से तो आप उनके मन में डाउट क्रिएट कर रहे हैं। हमारा बस यही कहना है कि अगर आप बायोमेट्रिक लगा रहे हैं तो सबके लिए लगाइए, वरना किसी के लिए नहीं लगाइए। सबको अपने बात रखने का, सबको रहने का, प्राइवेसी का सब बराबर अधिकार है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।